नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। पिछले कई दिन तक खास करके हरियाणा में देखने लग रहे होंगे, जहां भी बीजेपी और जेजेपी के नेता जावे है, अरेखंड क्या है, उनके गले पड़ ले है। के वजह है बीके यू तो गोलू डाटा भाई है, सारी बात जो है विस्तार से पूछा है। भाई जी, सबसे पहले राम राम। राम राम भाई साहब, आपके दर्शकों ना अपना राम राम। भाई जी, जुकर मैंने कहा बीजेपी और जेजेपी थी खुल के टारगेट करने लाग रहे हैं, अरेखंड क्या कह लो या फिर किसान के संगठन कह लो, या बीके यू की कॉल है या फिर मतलब की या एसकेएम की कॉल है या फिर जो स्टेट वाइज कमेटी उनकी कॉल है, या भाई हर गरीब मजदूर सताया हो रहा मनस की सबकी कॉल है भाई, या किसी ना तो किसी पार्टी की कॉल है ना किसी संगठन की, या तो जो भाई गामा में रवा है, जो जमींदारा करे हैं, जो इस सरकार ने दंडित कर रखे हैं कैश कहाँ पे, उनकी सबकी कॉल है। या तो जेजेपी के एक नेता का बयान आया था थोड़े दिन पहला, बोला ये कानून लिखे कांग्रेस ने लागू बीजेपी ने करे, मारे गले क्यों पड़ रहे हो भाई? लागू करनिया गुनेगार हुआ है या लिखनिया गुनेगार हुआ है, आप एक कुकर मान लिया उसकी की लिखे किसने थे। जेजेपी तो बीजेपी ने करे नहीं, बोले मारा तो रोले को नहीं, फिर तो हमें बीजेपी की छाती पे कहते बैठे थे, वो उनकी पद्दी कहते चढ़ रहे थे तमें, जे तो हमें बीजेपी तक में लेना है देना नहीं बाब, इब तो हमने बीजेपी इतनी बूंदी लागण लगी 4.5 साल जो तार अगला दो दो गाड़ी पुलिस की घूमिया कर दी, जब तक कोने तो हमने यह चीज देखी भाई कि बीजेपी आले लागू करे हैं कौन करते, जब उनको पूछो तो हमें लागू क्यों करो भाई। एक बात करूं मैं जो कर की सरकार बुलिया को सारी एक सी हो है, फिर इस बार जो है आपनों को बोला हम बीजेपी के विरोध में हाँ, जेजेपी के विरोध में हाँ, एक चीज देखने मिली है कई किसान नेता जो है कांग्रेस ने सपोर्ट करने लग रहे हैं। नहीं भाई, कांग्रेस ने सपोर्ट कौन करा है किसान नेता? देखो कोई पर्सनल तौर तक किसी की, मैं तो आज तक मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से आज भी कहूं भाई, मैं तो कोई कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं करता, कोई कांग्रेस का होगा जो मैं तो उसने भी पूछ लूंगा भाई अब तो आगे क्या करेगा। आज आप देखो कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसान के नाम पर वोट मांगने लग रहे हैं, ना कोई शिक्षा की बात करने लग रहा, ना कोई रोजगार की बात करने लग रहा, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक है कि इन्हें किसानों का लाइयो कर दिया, बीजेपी वाला तो कह दे है अका हमने किसानों का इतना भला कर दिया, कांग्रेस वाला कह दे भला कौन करा। लेकिन आज भी अगर आप देखा जो शिक्षा रोजगार की बात तो कौन करने लग रही, कौन सी भी पार्टी कौन करने लग रही, तो मैं तो पर्सनल तौर पर भी कहना चाहूँ भाई, आपके जितने भाई देखे उनने भी कहना चाहूँ कि भाई कम से कम इन पर नू तो पूछ लो, जो कांग्रेस का हो कांग्रेस वाले पर भी नू पूछ लो, बीजेपी ने तो नाश करे दिया किसानों का, अगर कोई कांग्रेस का नेता हो तो उस पर भी पूछ लो भाई। अब जो हमारा गाँव में 6-6 दिन में पानी आओ भाई, मैं मेरा गाँव की बताऊँ, मेरा गाँव में 6 दिन में जो है पीने का पानी आओ है नलका में। अब तुम एक बार आप एक बात बताओ, जुगर मेरे वर्गा को गरीब मनस है जिसके घर एक टंकी का जुगाड़ को नहीं, वो 6 दिन का पानी कड़ा स्टोर करेगा? एक चीज देखने मिली आपको, बोला किसान नेता को नहीं सपोर्ट कर दे, गुरनाम सिंह चडूनी बहुत बड़ा नाम है किसान नेता का, किसान आंदोलन का, उनने जो है एक बयान आया के लिए कांग्रेस जो है बी टीम है बीजेपी की, और कल वो जो है बीएसपी के एक उम्मीदवार का नामांकन भरवान जा रहे थे। देखो चडूनी साहब हरियाणा के किसान नेता है, बड़े किसान नेता है, उनकी वो पर्सनल तौर पर क्या कहूँ, मैं तो हाथ जोड़ के चडूनी साहब ने भी कहना चाहूँ कि किसान समाज आप तक उम्मीद रखा है, आप इतना बड़ा नाम किसान है, मैं तो यो मानू हूँ। देखो कोई आपने पहला कोई जाना करता नहीं जाना करता, मन तो इतनी नॉलेज है कोई, लेकिन मैं जद तक आया हूँ आपने किसान नेता के तौर पर जाना जाओ है तो बयानबाजी ईसाए करना चाहिए जिस तरह की किसानों का भला हो, आपने बीजेपी हरान था मतलब है, मारा तो यो मानना है कि इस बीजेपी ने बदला, बाद में देखांगे, आंदोलन तो पहले भी होते रहे हैं कांग्रेस के टाइम पर भी होते रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो बीजेपी ने जो किसानों की सुध नहीं ली, सुनिए को नहीं इन्हें तो उस बात पर ज्यादा अपन जोर देना चाहिए, और किसी और पार्टी का अगर कोई नामांकन भरवान जाओ अगर किसानों के नाम पर अगर कोई राजनीति करे तो मैं तो उस तक गंदा किसी मानता भी को नहीं भाई, क्योंकि नामांकन भरवान चला गया तो मतलब कि वो उसने सपोर्ट करा है बीएमएस जो भी है, मैंने तो आज पहली बार सुनी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती की है, मायावती की है तो देखो मायावती आड़ा उनकी बोलचाल है या कोई फैमिली रिलेशन है वो तो वो बता सके हैं, उड्डत के नाराजगी है वो भी वो बता सके हैं, लेकिन मैं तो इस मामले पर बोलना भी कौन चाहता, और बोलना चाहूँ तो इतना ही बोलना चाहूँ कि भाई चडूनी साहब का बड़ा नाम है, उन्हें जो किसान परिवार है जो किसान समाज है उन तो उम्मीद रखा है कि भाई वो एक अच्छी दिशा में समाज ने ले जाने का काम करेंगे, तो मेरा तो मानना है पर्सनल तौर पर उनने भी थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे किसानों तक दिशा निर्देश देने चाहिए। एक आपकी पर्सनली बात करूं मैं, आप इस लोकसभा माहौल रणजीत चौटाला प्रत्याशी है उसका खुल के विरोध करो हो,
काले झंडे दिखा दिए। आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, बोले आप गामा में कौन बढ़ दिया, फोर्स लेके मिलिट्री लेके गामा में बढ़े। भाई फोर्स लेके बढ़ा है कोई ओडा उसने सुन नहीं आ पावा है। जे 2 मिनट मान ले आपने बारना गको को 2 मिनट टप जे, जे उसने कोई सुनने वाला नहीं होगा, जे कोई है को नहीं। आप देखो 36 बिरादरी का जो भाईचारा है नहीं, वो आज उनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? जो उनकी विचारधारा है उसके खिलाफ है, क्योंकि रणजीत आज मिलिट्री लेके बढ़ जाएगा। मिलिट्री कद ही है, इलेक्शन इलेक्शन होगी मिलिट्री, उसके बाद भाई उसके बाद समाज समाज हमेशा नहीं, मेरा तो मानना यो है, पार्टी तो हमेशा नीचे रही है, समाज हमेशा ऊपर रहे, हर ऊपर रहूंगा। तो मेरा मानना यो है मिलिट्री भी, मिलिट्री तो भाई नुका करा करा कितने बड़े बड़े नेता हो लिए, उनके गल्ला भी थी, फिर मिलिट्री सारी आने 24 घंटे मिलिट्री बचा भी कौन सकती। और ईब तो मिलिट्री तक क्या करना, हमने मिलिट्री तक में लेना देना को नहीं, तो वोट की चोट करने का टाइम है, हमने तो हमारी वोट की चोट करनी है। रणजीत तो दावे करे 5 लाख से जीत है। रणजीत तो भाई मोदी भी 400 पार कवे है, रणजीत भी कवे है। आप एक बात देखो ना, मुद्दा क्या है? मुद्दा एक, जो मनस खुद का नो नहीं गिना सकता कि मैंने यो काम कराया, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के नाम पर वोट मांगने लग रहा है, तो कुकर 5 लाख पार हो जाएगा। 5 लाख वोट उसने मुंह तो पूछ ले भाई, कौन सी फ्रीक्वेंसी में तो 5 लाख वोट आऊंगे उसके। भाई मारा नेता इतना बढ़िया, मामने काम गिनाने की जरूरत को नहीं, मां मोदी के नाम पर जीता। मोदी के नाम पर भाई वो पहला वो टाइम जा लिया, क्योंकि आज का दिन देखो आप जितने भी समाज, जो भी समाज है, चाहे वो पंडित समाज हो, चाहे वो बणिय समाज हो, चाहे वो चमार समाज हो, चाहे वो धानक हो, आप देखो मराठे जो हैं, गुज्जर जो हैं, सबके जितने भी बड़ी बड़ी जो कौम है अपने, उनने सबने इकट्ठे होकर एक फैसला ले लिया है कि भाई इस बीजेपी सरकार ने कुकरे न कुकरे इस बार उखाड़ फेंकने का काम करांगे। वो क्यों लिया है? क्योंकि इनने हर वर्ग को पिटने का काम करा है। आज देखो मैं तो आपका माध्यम से एक बात और ध्यान में आएगी, जो भाई बीजेपी के झोले ठहरे हैं, जो सरपंच भाई जोड़, मैं खुद पंचकूला जा रहा था भाई, और इनके इतने भुंडे लटके अड्डे थे, आज ये बीजेपी का झोला ठहरे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो सरपंच बीजेपी का झोला ठहरा है उसने डूब के मर जाना चाहिए भाई, जो बीजेपी का प्रोग्राम नाम में करवाने लग रहा है सरपंच। कुछ सरपंच आते मेरी बात हुई थी, गए बोले आई बागे काम लेना है, 3-4 महीने इनकी सरकार है। नहीं 3-4 महीने भी कौन सा काम दे देंगे भाई, जे इनने 2 साल में काम नहीं दिया, 2 साल झोला ठाए हो गए, ये कौन सा काम दे देंगे, 6 महीने में कौन सा। मैं तो आपका माध्यम तो कहना चाहूं, मैं तो अपना अपना गांव ने इकट्ठा करके माफी मांग लो भाई, 6 महीने मार पर काम कोने, 6 महीने बाद इस बीजेपी सरकार ने हटाए, बाद में हमें काम चालू कर लेंगे, उसमें फायदा है। लेकिन इनका झोला ठाना मान लो भाई, उस मनस की मैं तो मानता नहीं, कोई आबरू रह रही है जो बीजेपी का झोला ठहरा है फिलहाल में। एक बात करूं लास्ट में, अगर मतलब की विरोध चलन लाग रहे है, फिर भी प्रोग्राम भी होने लाग रहे है, 25 तारीख के इलेक्शन है, दीपेंद्र हुड्डा का भी एक नारा आया था 25 मई बीजेपी गई, तो के किसान संगठना की पूछूं मैं, के फैसला है, के निर्णय है, विरोध जारी रहेगा या रुकेगा इलेक्शन में, मतलब की कुकर जो इनका एंटी वोट डलवाओगे। किसान संगठना का भी आप फैसला कैस को हो, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी फैसला करा था भाई, हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा, उसने फैसला करा कि हमें गांव गांव जो अगर कोई आओगा तो उस पर अपने सवाल जवाब भी करांगे और बीजेपी के खिलाफ वोट डलवाएंगे। मैं तो आप सबके माध्यम तक गांव में जो मेरे भाई बहन देखने लग रहे हैं, ताऊ काके चाची जो भी देखने लग रहे हैं, सबने मैं तो हाथ जोड़ के एक के बात कहूँ भाई, अगर मारे वर्गे अपने बच्चा का नहीं देख के वोट गे रही हो, क्योंकि आप देखने लग रहे हो 9 साल में सिर्फ और सिर्फ 12,500 नौकरी इन हरियाणा में देने का काम करा है। अगर आप चाहो हो कि आगे अपने बालक जो पहला जुकर सरकारी नौकरी लग गया कर दे, अगर आप चाहो हाँ अपना जो खेत में दाने हो उसकी अपन सही कीमत मिल सके, तो अपना हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि बीजेपी के खिलाफ अपने जितने ज्यादा से ज्यादा वोट हो सके। एक बात और कहना चाहूँ मैं, जितने भी मेरी समाज के लोग हैं, किसान समाज मेरे हिसाब से बहुत बड़ा समाज है, आप वोट करन जरूर जाइयो, क्योंकि अपना वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार था आप इतना हटाने में कामयाब हो सका। तो मैं तो हाथ जोड़ के एक अपील करूं, अपना वोट इस बार 100% अपने भविष्य ने देख के, अपने बालकों का भविष्य ने देख के, 5 किलो दाना में अपना कुछ नहीं होता भाई, अगर आपने जो मान लो अपने जो फसल का सही दाम मिल गया तो अपन 5 किलो दाना की जरूरत नहीं है। जो सरकार स्कीम लेके आ वो कदे भी आम आदमी पर लागू नहीं होती, वह सरकार एक सरकारी जो लोग हो उन्हें खातर कामयाब है, उन्हें खातर वह काम में आवे है, लेकिन जो आम धरातल पर जो गांव में रहने लग रहे, मैंने एक उदाहरण तो इबे दिया है, आज आप देखने लग रहे हो जो ये 4 साल की इन्ना आर्मी कर दी, अग्निपथ जो योजना लेके आए हैं, आप देखो आज देख लो जाके भाई, जितने आप भी गांव में घूमो हो,
जो ग्राउंड है नहीं इतना इतना घास चढ़ रहा भाई, जड़े बालक रेस मारा कर ट्रैक खाली हो गए, ट्रैक खाली हो गए, वह क्यों हो गए? क्योंकि आज का दिन रोजगार नहीं है। बालक क्या कहने लग रहे हैं, बालक मेरे वर्ग के जो भाई है सब दिन फोन में लगे रहो है, क्यों लगे रहो है? क्योंकि उन उम्मीद को नहीं रही। आज आप देखो 5 साल पहला मैं जद इशहार आया था ना भाई, मैं पढ़ने खातर जद इशहार आया, जद सिर्फ एक दूसरे देश में भेजण की अकेडमी होया करती इशहार में। आज आप देखो गाल गल दूसरे देश में भेजण की अकेडमी है, कोई नौकरी की अकेडमी हो तो मेरा मेरा कल रह के पकड़ लियो भाई, नौकरी की अकेडमी ज्यादा है दूसरे देश में भेजण की अकेडमी ज्यादा है। सरकार की पॉलिसी है कि गरीब ने और ज्यादा गरीब कर दो और अमीर ने और ज्यादा अमीर कर दो। चलो भाई, किसान बीकेयू से जो है गुल्लू डाटा भाई अपने साथ है, लगातार ये विरोध कर रहे हैं और बीजेपी का एंटी वोट दिलवाने की बात कर रहे थे, इन अपने विचार रखे, किसे लागे आपने विचारधारा इनकी और बीजेपी सरकार के बारे में आपके कहना चाहो कमेंट बॉक्स में खुल के कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद।